लाइन जो है उसको अट्रैक्ट करती है दूसरी फिश को और पीछे जनाब ये तैयार बैठा होता है उसको खाने के लिए। ब्रिज इसका ये देखें आप, सो फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल मॉडल्स। जब भी कोई ऑयल वर्कर जा रहा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर ऑफशोर फैसिलिटी के अंदर, ही हैज टू वेयर दिस सूट। ये पत्ते जो हैं, ये पत्ता पूरा जो है, ये प्लांट है 500 मिलियन साल पहले समुंदर के नीचे जो है तो लहरा रहा था। तो ये इंडिया जो था ये नीचे से आके इस तरह टकराया है इसके साथ, बूम, एंड यू नो, और जब ये ऐसे यूं करके टकराया तो यूं हिमालयस बने। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। इस वक्त मैं हूँ सेंट जॉन के जियो सेंटर के अंदर। ये जियोलॉजी का एक म्यूजियम है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ इन चीज़ों में, यू नो, ये रैंडम साइंटिफिक यू नो चीज़ों के अंदर। आई होप कि मैं आप लोगों को जियोलॉजी सेंटर इस तरीके से दिखा सकूँ कि आप लोगों का भी कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो आप पिछले एपिसोड्स में जितनी भी सैर करते रहे हैं न्यू फिनलैंड की, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजी है, तो चलते हैं और ज़रा उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। अभी म्यूजियम में हम एंटर नहीं हुए कि ये बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर ही इन्होंने कोरल्स वगैरह कर वो दिए हुए सी लाइफ का। इट्स ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो दैट। देखिए ये लिविंग क्रीचर्स हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स, दे लुक लाइक स्टोन बट ये लिविंग वो है। और कहते हैं कि बिल्कुल दरख्त की तरह इनके भी जब आप इनको काटते हैं तो इनके ग्रोथ रिंग्स होते हैं, देखें बिल्कुल दरख्त की तरह ये ग्रो करते हैं। एंड दे लुक समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे पत्थर है, यू नो, मार्बल की तरह लग रहा है, बट दे आर लिविंग थिंग्स। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग यार। ये देखें देखें आप समुंदर के बिल्कुल उसके ऊपर देखें, कॉरल्स हैं, स्पंजेस हैं, पूरे के पूरे। कहते हैं नीचे जो है तो देर ऑलमोस्ट लाइक गार्डन्स, यू नो, अंडर वाटर गार्डन्स। और कितने डीप ये देखें, क्या खूबसूरत, बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे वो है घास है जिस तरह, और जो है तो ब्यूटीफुल लुक एट दिस। तो ये बता रहे हैं कि जी 4 किलोमीटर्स नीचे तक, ये देखें इन्होंने पानी में से निकाले हुए हैं, वो 4 किलोमीटर डीप ये चीज़ें उग रही होती हैं नीचे। सी, फैसिनेटिंग। और वो कहते हैं ना कि जी वी नो मोर अबाउट द सर्फेस ऑफ द मून देन वी डू अबाउट द डीप ओशन। इट्स अमेजिंग अमेजिंग एब्सोल्युटली। ये कह रहे हैं कि जी ये कैनेडियन कोस्ट गार्ड ये वेसल यूज करती है, यू नो, इट्स अ डीप सी रोवर, और ये नीचे जाके तो 4 किलोमीटर डीप। लुक एट दिस, ये पीछे बैकग्राउंड में जो इन्होंने ये वाला जो दिया हुआ है, ये पीछे बैकग्राउंड इसका वो इन्होंने सिमुलेट किया हुआ है कि रियल लाइफ में कैसे लग रहा होता है समुंदर के बिल्कुल 4 किलोमीटर डीप। फैसिनेटिंग। अच्छा जी, तो ये ओशंस का सेक्शन है। दिस इज डिस्टर्बिंग यार। कहते हैं समुंदर के अंदर ये इतने जनाब, ये रियल लाइफ साइज वो है 5-5 फुट के, और उसके वर्म्स, लुक एट दिस, ऑफ गॉड डैम, जान ही निकल जाए यार अगर ये समुंदर में कहीं आपको नजर आ गया है। लुक एट दिस, ये लाइफ साइज वो है, इतने बड़े बड़े वर्म्स। यदि आप अंदाजा लगाएं इसका मेरे हाथ के मुताबिक, लुक एट दिस, इतने ह्यूज, दिस वन इज ह्यूज। ओह डैम, दैट्स स्केरी मैन। अच्छा, ये वो फिश हैं जिनके सामने इधर उसके ऊपर लाइट लगी होती है, तो ये लाइट जो है उसको अट्रैक्ट
کرتی ہے دوسری فش کو اور پیچھے جناب یہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے. Can you imagine? This was a bit of a disappointment. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکچوئل فش وغیرہ یا وہ نہیں ہے, اسپیسیمنز نہیں ہیں, بس صرف جو ہے تو الیسٹریشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں. یہ تھا مرین, وہ اب ہے آئل اینڈ گیس. ہاں اوکے, لیٹس سی آئل اینڈ گیس. ہاں یہ اتنا انٹرسٹنگ انہوں نے وہ ایک بنایا ہوا ہے, ڈیپ سی کا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دس از لینڈ, ٹھیک ہے. بٹن آپ پریس کریں یہاں پہ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. یہ سینٹ جانز ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جہاں پہ پوٹینشیل ہے اس کا, یہ ایریا ہے جہاں پہ پوٹینشیل ہے آئل کا, ٹھیک ہے. اچھا اور اس ایریا کے اندر یہ جگہ ہیں جہاں پہ آلریڈی ڈسکور ہو چکا ہے آئل. پھر اس کے بعد یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے وہ آئل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں فی الحال. ہیوج شپ ہیں ایکچولی جو وہ کرتی ہے سی بینڈ کو اسکین کرتی ہے اور ایکسپلور کرتی ہے کہ جی کیا نیچے سی بینڈ میں کیا ہے. واو انکریڈیبل, یہ دیکھیں یہ اس کا ماڈل ہے. واو بیوٹیفل بیوٹیفل. سوئمنگ پول بھی ہے اس میں بیچ میں, دا پول فار دا اسٹاف. اچھا یہ دیکھیں جناب کہ یہ اوپر سے ادھر یہ ڈرل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سمندر کے نیچے آپ گئے جہاں پہ ڈرلنگ ہوئی ہے سمندر کی تہہ کے اندر. ایکچولی دیر از پائپس گوئنگ آؤٹ بالکل ویب کی طرح ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جہاں سے وہ تیل نکال رہی ہوتی ہیں, تو ایک کنویں میں سے بہت سارے پائپس جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں 2 kilometers نیچے. یعنی پانی کے جو پانی جہاں پہ ختم ہوتا ہے اور جہاں سے راک اسٹارٹ ہوتا ہے اس سے بھی 2 kilometers نیچے یہ پائپس لگی ہوئی ہیں. واو انکریڈیبل ہے. اچھا یہ بتا رہا ہے, کہتے ہیں کہ آئل جو نکلتا ہے وہ ہر ایک اس ڈفرینٹ ٹائپ کا آئل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ کوالٹیز کا. سو اٹس ایدر لائٹ کروڈ, میڈیم کروڈ اور ہیوی کروڈ, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے تو اس کی تھکنس ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح نکالنا ہے. پھر مطلب اگر ہیوی آئل ہے تو اس کو آپ کو ہیٹ اپ کرنا ہے, اس کے اندر کیمیکلز ڈالنے ہیں, اس کے اندر اسٹیم پاس کرنی ہے بفور اٹ بیکمس تھن انف سو دیٹ یو نو یو کین پمپ اٹ آؤٹ. اور یہ والا لائٹ کروڈ جو ہے تو وہ ایزیلی پمپ آؤٹ ہو جاتا ہے. سو یو سی دا کاسٹ آف ایکسٹریکٹنگ ہیوی آئل از مور دین لائٹ آئل. تو مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو تیل مل گیا, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی کس کوالٹی کا تیل ہے. آف شور شپ ہے جو آئل ایکسٹریکٹ کرتی ہے, امیجن کریں آپ کیا کمپلیکیٹڈ مشین ہے. خوبصورت ماڈل سی روز, یہ ماڈل ہے اس کا آف شور ڈرلنگ فیسلٹی کا. او مائی گاڈ سو فیسینیٹنگ. اس ٹائپ کی چیزوں میں تو میں گم جاتا ہوں یار بالکل. لک ایٹ دس, نیچے سے جو ہے تو یہ بیڈ راک میں سے تیل نکالتا ہے. اور یہ دیکھیں شپس اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, شپس کو فل کرتا ہے. یہ دیکھیں آپ یار, واو دو کلومیٹر کی پائپ لائن ہے, اس سے جو ہے تو شپس کو یہ فل کرتا ہے.
Wow. Wow, yeah, look at this. ये देखें इसका स्केल आप, लोग खड़े हैं इसके अंदर. ये देखें, there's for example, there is one person standing here. तो ये आपको स्केल का पता चलता है कि जी क्या साइज है इसका. खूबसूरत मॉडल है यार. मैं तो इनके अंदर एक घंटे से इनको देख रहा हूँ. इसकी एक एक डिटेल, ऊपर पाइपिंग है वो है, और किस तरह जो है, तो यू नो, ये क्रू के लिविंग क्वार्टर्स. फिर आप इस शिप को देखें, इसकी रिगिंग पीछे जो है, तो ब्रिज इसका, ये देखें आप यार. So fascinating, beautiful models, beautiful, very, very detailed models. बहुत ही interesting हुआ यार. मैं गुम हो जाता हूँ इन जगहों में. Look at this. Nice suits हैं. ये जब भी कोई oil worker जा रहा होता है helicopter के अंदर, offshore facility के अंदर, he has to wear this suit. और ये immersion suit है कि जी in case अगर कहीं helicopter को ditch करना हो पानी के अंदर, तो ये सूट जो है, तो दिस कीप्स यू वार्म इन दोज फ्रिजिड वाटर्स, एंड यू नो, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस इवन अ मिनट, यू नो, उस पानी के अंदर. और ये जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं रिग के ऊपर, तो ये आपने 24 घंटे ये पहना हुआ होता है कि कहीं अगर आप गलती से पानी के अंदर गिर गए, तो यू नो वट, सो दैट यू कैन सर्वाइव, इट विल कीप यू वार्म. तो ये दोनों सूट्स जो हैं, ये एसेंशियल हैं एब्सोल्युटली, यू नो. ये जब आप हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं, तो ये फ्लाइट सूट है, ठीक है, दैट यू हैव टू वेयर. और ये जब आप उधर ऑयल रिग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये आपने 24 घंटे ये पहना हुआ होता है. This was a nice exhibit, yeah, I liked that, I enjoyed that. अच्छे exhibits थे, you know, oil and gas के बारे में काफ़ी चीज़ें, और actual वो थे exhibits पड़े हुए थे. That's what I found interesting, very, very good. इधर इंटरेस्टिंग वो ये है कि चूंकि ये अंडरग्राउंड एक फैसिलिटी है, हम लोग नीचे आए हैं एलिवेटर के अंदर, तो ये जो जगह इन्होंने डिग की हुई है, इसके अंदर इन्होंने एक्चुअल जो यहाँ की एक रॉक है वो उन्होंने एक्सपोज रखी हुई है, ताकि आप देख सकें कि जी क्या जियोलॉजी इधर की क्या है. तो वो इंटरेस्टिंग होगा, यू नो, उसका मैं ज़रा उसके लिए एक्साइटेड हूँ, यू नो. अगर आप देखें ये देखें, दिस इज़ दैट एक्सपोज्ड रॉक, यू नो. इसको चल के अभी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं. ये इंटरेस्टिंग इन्होंने वो फैक्ट्स थोड़े से दिए हुए हैं. सिग्नल हिल, जिस रॉक को हम देख रहे हैं और जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये 300 मिलियन साल पुराने हैं डायनासोर्स से. सो दे वर हियर फॉर 300 मिलियन ईयर्स बिफोर द डायनासोर्स. इतना पुराना रॉक स्ट्रक्चर है ये. वो कह रहे हैं कि ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से सेडिमेंट नीचे जमा हो रहा था समुंदर के नीचे, और वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न्ड इनटू रॉक. और फिर वो टेक्टोनिक फोर्सेस जब वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो टेक्टोनिक फोर्सेस ने इसको, यू नो, ऊपर पुश किया. और ये देखें, इसीलिए ये वर्टिकल रिब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना. ये किस ज़माने में ये वाली रिब जो थी, ये ऐसे थी, समंदर के बिल्कुल बेस के ऊपर थी, और जिस टाइम भी पुश हुई तो टेक्टोनिक फोर्स से, तो ये होके ऐसे ऐसे टेढ़ी हो गई, यू नो. तो दैट इज़ व्हाट शोज़ कि जी कितनी फोर्स से जो है, तो इसको पुश किया गया बाहर. लुक एट दैट, इट्स सो इंटरेस्टिंग. ये देखें ज़मीन की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की प्रूफ उसका, कि किस तरह जो है, तो ये देखें स्ट्रेट लेयर्स थी, और इस तरफ से इसके ऊपर फोर्स आई, तो उसने बिल्कुल उठा के बेंड कर दिया उसको बिल्कुल. क्या फोर्स होगी यार वो, कैन यू इमेजिन. एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, तो यूं करके उसने बिल्कुल बेंड कर दिया उसको. फैसिनेटिंग. एक्चुअल फॉसिल्स आप देखें, आई विश ये किसी लाइट के अंदर ये सही नज़र आ जाए. ये देखें, प्लांट्स के फॉसिल्स हैं, पत्ते हैं ये, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ओह माय गॉड, फैसिनेटेड यार, ये क्या हुआ है. ये देखें, शेल्स हैं डिफरेंट. ये देखें, ये भी कोई कीड़ा सा है, छोटा सा ये वाला,
ये वाला छोटा सा कोई कीड़ा है बिल्कुल. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. क्या यार, दिस इज इनक्रेडिबल. जस्ट टू इमेजिन कि जी ये पत्ते जो हैं, ये पत्ता पूरा जो है, ये प्लांट, ये 500 मिलियन साल पहले समुद्र के नीचे जो है तो लहरा रहा था. लुक एट दिस यार, इनक्रेडिबल. मूविंग ग्लोब्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग. और ये देखें 50-50 मिलियन ईयर्स अपार्ट, ठीक है ना. और ये जो रेड डॉट है, ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये वो हैं. तो इन सब को मैंने लाइनअप किया है अभी, जस्ट टू शो यू. इनको आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ये देखें 550 मिलियन, फिर उसके बाद 500 मिलियन, 450 मिलियन पहले समुंदर था, ये 400 मिलियन पहले समुंदर था, 350 मिलियन, 300 मिलियन, 250 मिलियन, 200 मिलियन. ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया है वो यूरोप का और उसका, ठीक है ना. ये देखें 150 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो है तो ये मेक्सिको और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फ्लोरिडा. ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थोड़े शेप बननी शुरू हो गई है. ये देखें साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना. ये स्पेन है और वो है. अच्छा, फिर उसके बाद 50 मिलियन ईयर्स अगो ये देखें बिल्कुल पता लगना शुरू हो गया, ये वो सेंट्रल अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका जो है वो नज़र आने लग गया है. यू नो व्हाट, दिस इज़ इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नज़र आना शुरू हो गया. और ये देखें इंडिया जो था ये 50 मिलियन ईयर्स अगो नीचे था, ये जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया और इसने इधर पुश किया इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे इसको स्क्वीज कर करके उसने इधर हिमालयन माउंटेंस बन गए. तो ये इंडिया जो था ये नीचे से आके इस तरह टकराया इसके साथ, बूम. एंड यू नो, और जब ये ऐसे यूं करके टकराया तो यूं हिमालयस बने. हाउ फैसिनेटिंग यार, इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. और ये आजकल की दुनिया है, और ये हम न्यू फिनलैंड में हैं, और ये देखें ये सेपरेट हुए हैं यहाँ पे वेल्स से. ये देखें ये जगह जो है ना, ये यहाँ से सेपरेट होके उस तरफ गई. ये उसकी एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था कि ये पहले जो है तो पेंजिया, ये एक ही पूरे का पूरा एक लैंडमास था, और फिर ये इस तरह करके मूव हुआ, और जो है तो बीच में अटलांटिक ओशन बन गया, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है वो आपस में अलहदा हो गया. तो उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें जी, ये वेल्स की शोरलाइन है, ये वेल्स की शोरलाइन का पत्थर है, ठीक है ना. और ये जो है, ये है न्यू फिनलैंड की शोरलाइन, और ये उसका पत्थर है. And they're exactly similar in composition. They have the same animal, uske wo hain, usi time ke fossils hain uske andar, wo ye dekhi. So these two are actually, ye dekhe, ek zamana tha jab ye New Finland aur ye Wales, यू नो, ये दोनों आपस में मिले हुए थे और अब जो है तो अलहदा हो गए. व्हाट अ फैसिनेटिंग डिस्प्ले, जबरदस्त यार, बहुत ही इंजॉय किया मैंने. मैंने तो तकरीबन कुछ 3 घंटे गुजार दिए यार, एक एक एग्जिबिट देख रहा था मैं. बहुत ही मज़ा आया मुझे यार, इट वाज वर्थ इट. यू नो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डिवेलप हो जाती है ना, इट्स फैसिनेटिंग व्हेन यू Fascinating when you learn something new. Bahut hi zabardast hota hai. Very nice. Where's the button? Yeah. Beautiful. Bahut hi achhi nazar thi yaar. This concludes the visit. Beautiful gift shop. चलें जी, इस अच्छे से व्यू के साथ सेंट जॉन गए, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा. आज के एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं. आई होप आपको जियोलॉजी का ये लेक्चर जो है, ये इसने ज़्यादा बोर नहीं किया, पसंद आया आपको.
مجھے تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں, تو شاید میں نے اپنے انتھوزیازم میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بور کر دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. خدا حافظ.